हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियंका चौधरी। वेल, अगर आपको लगता है इंग्लिश बोलना नहीं है आसान, तो बिल्कुल गलत लगता है। इंग्लिश में लिखना जितना मुश्किल है, उतना इंग्लिश में बोलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। ऐसा क्यों है? इट इज़ बिकॉज जब आप इंग्लिश में कुछ लिख रहे होते हैं, उस टाइम आपको स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम स्पेलिंग्स, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पर भी बहुत फोकस करना पड़ता है कि कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो जाए, हम इंग्लिश ग्रामर रूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं, दैट ऑल्सो मैटर्स। बट इफ़ आई टॉक अबाउट स्पीकिंग, अगर स्पीकिंग की बात करी जाए स्पोकन इंग्लिश की, उस समय आपको स्पेलिंग्स पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती। अपार्ट फ्रॉम दिस, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कैन बी अवॉइडेड। दैट्स वाई स्पोकन इंग्लिश बिकम्स फार ईजियर देन राइटिंग एनीथिंग इन इंग्लिश। तो चलिए, अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि इंग्लिश में बोलना भी इज़ नॉट दैट ईजी, इतना आसान नहीं है। आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करिए। आप इस तरीके से सीखिए जैसे एक बच्चा किसी लैंग्वेज को बोलना सीखता है। जब कोई एक छोटा बच्चा आपकी लैंग्वेज बोलना सीखता है तो किस तरह से सीखता है, क्या आपने कभी नोटिस किया है? अगर नहीं किया है तो आप सोचिए, कोई भी एक छोटा बच्चा कोई भी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करता है तो आई एम श्योर आप उसे अपनी देशी भाषा सिखाने के लिए कोई ग्रामर नहीं सिखाते हैं, राइट? तो बच्चा बोलना कैसे सीखता है? स्टार्टिंग में वो बच्चा छोटे छोटे लेटर्स बोलता है, लाइक माँ, बा, का, लाइक दिस। धीरे धीरे करके वो बच्चा वर्ड्स बोलना शुरू करता है, लाइक मम्मा और पापा और नाना या नानी। धीरे धीरे बच्चा वर्ड्स के साथ साथ सेंटेंसेस फ्रेम करने लगता है, नानी आ जाओ, नाना बैठ जाओ, लाइक दिस। इसी तरीके से बच्चा धीरे धीरे करके सेंटेंस फॉर्मेशन भी सीख जाता है। तो एक छोटा बच्चा अपने आसपास के एनवायरनमेंट में लोगों को बोलते हुए सुनता है और उसी चीज़ को रिपीट करता है। तो ये जो रेपिटेशन मेथड है, जिसमें आप चीज़ों को सुनते हैं ध्यान से और उसी चीज़ को रिपीट करते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने में और बहुत जल्दी काम करता है। अगर आप भी इस इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप अपने सीखने के प्रोसेस को एक बच्चे के तरीके से सीखिए। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ श्योरली गोइंग टू हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल। तो जैसे ही आपके सामने कोई सेंटेंसेस आते हैं इंग्लिश में, तो आप बस ये देखिए कि इस सेंटेंस को किस सिचुएशन में कब बोला जा रहा है, और जब भी आपको मौका मिले उस सेंटेंस को उस मोमेंट में बोलिए, और एक बार नहीं बार बार बोलिए। तो आपकी स्पोकन इंग्लिश को और इजी बनाने के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ 100 डेली यूज़ शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस। ये 100 सेंटेंसेस आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे इंग्लिश सेंटेंसेस बोलने में, जिसे आप अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। हर एक सेंटेंस को हिंदी में और इंग्लिश में एक बार मैं रीड करूँगी, उसके बाद इट विल बी योर टर्न, फिर आपको रीड करना है। इस वीडियो को देखने के बाद सेंटेंसेस को भूल मत जाइएगा। जो भी सेंटेंसेस आपने सीखे हैं उन्हें आपको डेली लाइफ में यूज़ भी करना है। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। ज़ुबान पर लगाम लगाओ, होल्ड योर टंग। सावधान रहो, बी केयरफुल। गिर मत जाना, डू नॉट फॉल। मिलते रहना, कीप इन टच। मैं समझ गया, आई सी। बढ़िया है, साउंड्स गुड। सीधा मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन। पागल मत बनो, डोंट बी सिली। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। बिल्कुल वैसे ही, एग्जैक्टली द सेम। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। लगे रहो, कीप इट अप। देरी मत करो, डू नॉट डिले। पहली नज़र में, एट फर्स्ट साइट। जल्दी मिलेंगे, सी यू सून। दोबारा मिलेंगे, सी यू अगैन।
दिमाग शांत रखो, बी कूल माइंडेड। अपने मन की बात कहो, स्पीक योर माइंड। अपने तरीके से करो, डू इट योर वे। हताश मत हो, डोंट बी डेस्परेट। ज़रूरत से ज़्यादा, मोर देन इनफ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। उसे विदा करो, सी हिम ऑफ और सी हर ऑफ। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। निराश मत हो, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट। उसे जाने दो, लेट हिम गो, लेट हर गो। बाहर में जाओ, गो टू हेल। ऐसा मत करो, डोंट डू दिस। मुझे दोष मत दो, डोंट ब्लेम मी। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। ज़्यादा नौटंकी मत करो, डू नॉट गिमिक टू मच। ये तो होना ही था, इट वॉज बाउंड टू हैपन। ये कितना बदबूदार है, हाउ स्टिंकी इट इज़। जल्दीबाजी मत करो, डोंट बी हेस्टी। सीधे होकर बैठो, सिट अप स्ट्रेट। चुप रहो, कीप मम। शर्माओ मत, डोंट बी शाय। इशारा मत करो, डू नॉट जेस्चर। घबराओ नहीं, डोंट पैनिक। जल्दबाजी मत करो, डोंट बी हेस्टी। एक विश करो, मेक अ विश। नाराज मत हो, डोंट बी ऑफेंडेड। खर्राटे लेना बंद करो, स्टॉप स्नोरिंग। सब ले लो, टेक इट ऑल। मेरे पास बैठो, सिट बाय मी। आराम से, टेक इट ईजी। बिल्कुल नहीं, नो वे। किस लिए, फॉर वॉट। जागरूक रहें, बी अटेंटिव। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। अपनी नाक झटको, ब्लो योर नोज। तुम चुप क्यों हो, वाई आर यू मम। अपनी सीमा में रहो, स्टे इन योर लिमिट। अपनी पीठ पर लेटो, लाई ऑन योर बैक। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। भाग्य तुम्हारे साथ हो, ब्रेक अ लेग। और बातों के अलावा, बाय द वे। बड़ा चढ़ाकर मत कहो, डोंट एग्जैजरेट। मुझे ऐसा लगता है, आई सपोज सो। बड़बड़ाना बंद करो, स्टॉप बैबलिंग। आँख मत मारो, डोंट विंक। मुझे हंसाओ मत, डोंट मेक मी लाफ। धीरे बोलो, स्पीक सॉफ्टली। जाने भी दो, लेट इट बी। साथ आओ, कम अलोंग। नीचे आओ, कम डाउन स्टेयर्स। मेरी कसम खाओ, स्वेयर बाय मी। कृपया बैठ जाओ, प्लीज बी सीटेड। ज़्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सो प्राइसी। मुझे परेशान मत करो, डोंट नेग मी। छेड़ना बंद करो, स्टॉप टीजिंग। नज़र ना लगे, टच वुड। ज़िद मत करो, डोंट इंसिस्ट। बिजली चली गई, पावर वेंट आउट। नंगे पैर मत चलो, डोंट वॉक बेयर फुट। आसपास गंदगी ना करो, डोंट लिटर अराउंड। नखरे मत करो, डोंट थ्रो टैंट्रम्स। मुझे बाद में याद दिलाना, रिमाइंड मी लेटर। मुझे शाप मत दो, डोंट कर्स मी। शब्दों को घुमाओ मत, डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स। उसका भूत भगाओ, एक्सरसाइज हिज घोस्ट। ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट। उतर जाओ, गेट ऑफ। ये हुई ना बात, दैट्स द स्पिरिट। पालथी मारकर बैठो, सिट क्रॉस्ड लेग्ड।
ताने मत मारो, डोंट टॉन्ट, इसे मुझ पर छोड़ दो, लीव इट ऑन मी, मुझ पर एक एहसान करना, डू मी अ फेवर, चेहरे मत बनाओ, डोंट मेक फेसेस, मेरा हाथ बटाओ, लेंड मी अ हैंड, मैंने मना कर दिया, आई डिक्लाइन, मैंने कर लिया है, आई एम डन, उसे अंदर लाओ, ब्रिंग हिम इन, मजबूती से पकड़ो, होल्ड फॉर्मली, निश्चित होना, रेस्ट अश्योर्ड, स्वीकार करना, एक्नॉलेज्ड, नाटक मत करो, डोंट प्रिटेंड. If you like this video and found it useful, then do not forget to like, subscribe and share. I will be very thankful to you. See you in the next video. Bye bye.